हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम वाटर टैंक का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाटर टैंक में हम देखेंगे सर्कुलर वाटर टैंक जो ग्राउंड पे रेस्ट है। तो सबसे क्वेश्चन क्या है, डिज़ाइन एंड डिटेल द वॉल ऑफ अ सर्कुलर वाटर टैंक ऑफ 200 किलो लीटर्स कैपेसिटी हैविंग रिजिड वॉल एंड बेस कनेक्शंस। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर इज लिमिटेड टू 3.2 मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया है, रिजिड वॉल एंड बेस। ठीक है, तो सर्कुलर वाटर टैंक में दो टाइप के होते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो आज हम रिजिड वॉल का देखते हैं क्वेश्चन पहले। तो इसमें सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है सबसे पहले कैपेसिटी टैंक की। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 200 किलो लीटर। ठीक है, अब किलो लीटर को हम लीटर में चेंज कर लेते हैं, 2, 1, 2, 3, ये हो गया लीटर। अब हमको जो लीटर हो गया, अब लीटर को हम चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 200 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक जो गिवन था। और एक चीज़ गिवन है, द डेप्थ ऑफ वाटर इज 3.2 मीटर, मीन्स हाइट ऑफ वाटर इज 3.2 मीटर। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एच। अब हाइट ऑफ वाटर दिया है तो इससे हम निकाल लेंगे हाइट ऑफ टैंक, हाइट ऑफ टैंक H1 इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ टैंक क्या होगा, हाइट ऑफ वाटर प्लस फ्री बोर्ड। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, अगर नहीं गिवन है तो एज्यूम कर लेते हैं 200 mm। तो 200 mm को क्या लिख सकते हैं, 0.2। तो ये हो जाएगा 3.4 मीटर, हमारी H1 की वैल्यू आ गई, मतलब हाइट ऑफ टैंक आ गया। अब इसमें हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हम M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं, और स्टील कौन सा यूज़ कर रहे हैं, Fe415 स्टील यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले स्टेप फर्स्ट पे। सबसे पहले गिवेन लिख के इतना काम करने के बाद हम स्टेप वन पे आते हैं। तो स्टेप वन क्या है, तो हम डिजाइन कांस्टेंट निकालते हैं, कैलकुलेशन फॉर डिजाइन कांस्टेंट। डिजाइन कांस्टेंट में हमको क्या क्या निकालना है, एम निकालना रहता है, एन, जे और के। तो सबसे पहले एम निकालते हैं। एम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। ठीक, अब हमको यहाँ क्या अननोन है, सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसके लिए, फॉर M25 कंक्रीट के लिए। M25 के लिए हमारा सिग्मा CBC की जो वैल्यू होती है वो 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अगर यही M20 होता तो M20 के लिए हमारा जो सिग्मा CBC यूज़ होता वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है यूज़। लेकिन यहाँ पे M25 हम एज्यूम किए हैं तो M25 की सिग्मा CBC की वैल्यू हो जाएगी 280 बाई 3 इंटू सिग्मा CBC कितना हो गया, 8.5। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10.98। इसको अप्रॉक्स कर लेंगे हम 11। तो ये हमारा पहला कांस्टेंट आ गया डिज़ाइन कांस्टेंट, m = 11। तो अब हमारा m निकल गया जो क्या था, मॉडुलर रेशियो। ठीक, अब हमको सेकेंड डिज़ाइन कांस्टेंट निकालना है n। तो n का फॉर्मूला होता है m σ CBC डिवाइडेड बाई m σ CBC प्लस सिग्मा s।
सिग्मा सी बी सी भी बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है M25 के लिए 8.5, क्योंकि ये क्या होता है परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है कॉन्क्रीट का। तो सिग्मा सी बी सी की वैल्यू पता है पर हमको सिग्मा एस की वैल्यू नहीं पता है। तो सिग्मा एस जो होता है, सिग्मा एस की वैल्यू होती है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर Fe 415। ये क्या होती है परमिसिबल स्ट्रेस होता है किसके लिए, स्टील का। तो ये 415 के लिए 150 यूज़ होती है, और अगर 250 यूज़ कर रहे हैं आयरन Fe 250 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 115 होती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, mm को निकालें 11, सिग्मा सी बी सी 8.5 डिवाइड बाई एम सी बी सी प्लस सिग्मा एस की वैल्यू 150। तो ये आ जाएगा हमारा 0.384, ये आ गया हमारा एन। अब हमको निकालना है जे, तो जे होता है 1 माइनस n/3। तो 1 माइनस n की वैल्यू आई है 0.384/3। तो ये आ जाएगा 0.872। अब लास्ट बचता है हमारा डिज़ाइन कांस्टेंट, दैट इज के। तो के का फॉर्मूला होता है 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू जे इंटू एन। अब ये निकालेंगे हम, 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी 8.5, जे हम निकालें 0.872, और एन था हमारे पास कितना 0.384। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.423। तो ये हमारा तीनों डिज़ाइन कॉन्स्टेंट आ गया चारों, एम एन जे आर के। अब आएंगे हम सेकेंड स्टेप पे। अब सेकेंड स्टेप हम क्या निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे टैंक का। तो टैंक का डायमीटर निकालने के लिए हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, सर्कुलर है तो सर्कुलर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, π/4d² इसकी एरिया होती है, एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक, हम कितना निकाले थे 200 आया था मीटर क्यूब में। अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, π/4d² एच हमारे पास कितना आया था, कितना था 3.2 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डी, तो डी आ जाएगा 8.92 मीटर, इसको अप्रॉक्स कर लेंगे 9 मीटर। तो ये हम निकाल दिए हम वैल्यूम डायमीटर ऑफ टैंक। अब स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में हमको निकालना है स्मॉल एच, स्मॉल एच की वैल्यू निकालना रहता है कि हमारा कितना कैंटिलीवर मोमेंट लग रहा है, क्योंकि ये रिजिड बेस है, ठीक है। तो रिजिड बेस के लिए जो हाइट एच तक होगा वो क्या एक्ट करेगा, कैंटिलीवर के एक्ट करेगा, एक्ट एज अ कैंटिलीवर। जैसे अगर ये टैंक है हमारा, तो उनको निकालना है कितने हाइट पे एक्ट करेगा कैंटिलीवर। तो सबसे पहले हम हमारा होता है कि फार्मूला होता है h1² / dt, इस बेसिस पे हम h निकालते हैं। अगर इसका रेशियो हमारा 6 से लेके 12 के बीच में लाई करता है तब हम h की वैल्यू क्या लिखेंगे, h1/3 लेते हैं। लेकिन अगर इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू 12 से ज़्यादा आती है, 6 to 12 नहीं आती, 12 से ज़्यादा आती है, तो उसकी हम एच की वैल्यू क्या यूज़ करते हैं, h1/4। तो पहले इसको चेक करते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो h1 था हमारे पास 3.4, इसका स्क्वायर डी टी, डायामीटर कितना है 9। अब हमको टी नहीं पता है यहाँ पे, ठीक। तो टी निकालने के लिए फार्मूला होता है थिकनेस का, 30h1+50, ठीक है, 30h1+50। तो ये हो जाएगा 30, h1 हमारे पास है 3.4
प्लस 50, तो ये आ जाएगा 152 mm। अब ठीकनेस आ गए हमारे पास 152 mm, तो टी की जगह हम क्या रख देंगे 152, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.45। अब हम इसकी वैल्यू क्या लाई कर रही है, 6 से 12 के बीच में लाई कर रही है, तो 6 से 12 के बीच में जब लाई करती है वैल्यू, तो स्मॉल एच की वैल्यू होती है h1/3। लेकिन अगर यही वैल्यू 12 से अबव आती तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या होती, h1/4। ठीक, लेकिन 12 से कम है, 6 टू 12 के बीच में लाई है, तो ये हो जाएगा h1/3। तो h1 की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे कितना आएगा, h1 क्या है हमारे पास 3.4/3, तो ये आ जाएगी 1.13 मीटर। 1.13 मीटर जितनी आए वैल्यू, और 1 मीटर, दो ऑप्शन होता है। ठीक, इन दोनों में से जो ज़्यादा होती है उसको हम कंसीडर करते हैं h, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.13 मीटर। तो ये हमारा फिगर है, जैसे हम बताया कि h1 क्या है, टोटल हाइट ऑफ टैंक h1, और जितना जहाँ तक वाटर है वो हो गया हमारा h। तो अब हमने निकाला h इज़ इक्वल टू 1.13 मीटर। तो जो h है, स्मॉल h, ये क्या हमको एक्ट बताता है कि जो h1 हाइट अगर यहाँ आ रही है, ये हो गया हमारा h, स्मॉल h, 1.13 मीटर बेस से ये क्या एक्ट करेगा, हमारा कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा, और इसके ऊपर का ये एरिया जो है ये हुप टेंशन एक्ट करेगा इस पर। ठीक है, और जो नीचे से जो एक्ट करेगा बेस से स्मॉल एच डिस्टेंस पे, वो एक्ट करेगा हमारा कैंटिलीवर की तरह। तो अब इसको देखते हैं कैसे। अब ये एच हाइट है, इस हाइट पे ये हो गया हमारा स्मॉल एच हाइट पे, और जो इसका बेस होगा वो होगा हमारा गामा h1, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगी, यहाँ से h/3 पे एक्ट करती है, तो ये होगा हमारा h/3 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, और ये टोटल हाइट कितनी है हमारी h है। तो इस पर हमको हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे कैंटिलीवर के लिए, क्योंकि स्मॉल h यहाँ तक क्या एक्ट करेगा, कैंटिलीवर एक्ट करेगा। तो स्टेप 4 हम देखते हैं, डिज़ाइन फॉर कैंटिलीवर। अभी सिर्फ इतनी हाइट का हम निकाल रहे हैं, इसका डिज़ाइन अभी बाद में करेंगे। तो डिज़ाइन फॉर कैंटिलीवर एक्शन, कैंटिलीवर एक्शन, अब इसको हम क्या निकालेंगे, कैंटिलीवर मोमेंट निकालेंगे, कैंटिलीवर मोमेंट। तो कैंटिलीवर हमको मोमेंट निकालना है m, तो मोमेंट इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगी, इसकी बेस क्या है गामा h1, हाइट क्या है इसकी स्मॉल h। अब मोमेंट के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कितनी होगी यहाँ से h/3, तो आ जाएगा हमारा मोमेंट। अब मोमेंट यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे सबकी वैल्यू पुट करके, हाफ गामा की वैल्यू हमको पता है 9.81, h1 हमारे पास है 3.4, स्मॉल h की वैल्यू है 1.13, और ये हो जाएगी 1.13/3। तो मोमेंट आ जाएगा हमारा 7.10 किलो न्यूटन मीटर, 7.10 × 10^6 न्यूटन mm। तो ये आ गया हमारा कैंटिलीवर मोमेंट। अब हम इसका निकालते हैं डेप्थ। इसकी डेप्थ जब निकालेंगे तो डेप्थ का फॉर्मूला होता है, डेप्थ को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है √m/kb। ठीक, अब हमारे पास m हम निकाल चुके हैं, मोमेंट है हमारे पास 7.10
10 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन के बी। अब हमको के निकाले थे, हम हमारे पास कितना आया था, जो डिज़ाइन कांस्टेंट निकाले थे वहाँ से आया था 1.423 इंटू विड्थ, क्या होती है यूनिट विड्थ होती है हमारे पास 1000, तो ये ले लेंगे हम 1000। अब यहाँ से हम डेप्थ निकालेंगे तो डेप्थ आएगी हमारे पास 70.64 mm डेप्थ आ गई। तो अब हमारा डेप्थ आया इतना। अब इस डेप्थ को सेव करने के लिए, हमारा जो सेक्शन है उसको सेव करने के लिए हम डेप्थ की वैल्यू क्या लेट करते हैं कि 4/3 टाइम्स ऑफ दिस डेप्थ, तो ये आएगी हमारी एक्चुअल डेप्थ, ताकि हमारा सेक्शन जो है सेफ रहे। तो ये आ जाएगी 94.19 mm, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 95 mm, ठीक है। तो ये क्या हो गई 95 mm इसकी डेप्थ हो गई, और थिकनेस क्या आई थी हमारी 152 mm। अब हमको एरिया ऑफ स्टील निकालना है कैंटिलीवर के लिए, क्योंकि अभी हम स्टेप 4 में हैं, कैंटिलीवर इतने के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड अगेंस्ट कैंटिलीवर मूवमेंट, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है कैंटिलीवर मूवमेंट के अगेंस्ट का, एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एस इंटू जे इंटू स्मॉल डी। हमको यहाँ पे सब कुछ गिवेन है, एम हम निकाल चुके थे 7.10 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई सिग्मा एस, बता चुके हैं कि Fe 415 के लिए कितना होता है 150, जे की वैल्यू हम निकाले थे 0.872, और डी हमारे पास कितना आया था अभी 95। तो ये आ जाएगी आपसे एरिया ऑफ स्टील हमारे पास 571.38 mm स्क्वायर, ये आ गई हमारी एरिया ऑफ स्टील। अब हम एज्यूम कर लेंगे इसमें कि यूजिंग 10 mm बार डाया ऑफ बार, ठीक। तो स्पेसिंग अब निकालेंगे हम, जब स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ वन बार डिवाइड बाय टोटल एरिया इन 2000, तो एरिया ऑफ वन बार क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारे पास डाया, एक एरिया एक बार की, और टोटल एरिया, टोटल एरिया हमारे पास कितनी है 571.38 और इंटू 1000, तो यहाँ से आ जाएगी अब हमारे पास स्पेसिंग। तो स्पेसिंग कितनी आ जाएगी 137.45 mm, इसको हम अप्रॉक्स में 130 mm ही लेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्पेसिंग की, एरिया ऑफ स्टील आ गई, स्पेसिंग आ गई। तो ये हम 10 mm बार यूज़ करेंगे 130 mm स्पेसिंग पे इनर फेस पे, और इसको क्लियर कवर हम कितना दे देंगे 35 mm का क्लियर कवर दे देंगे। तो ये हो जाएगी 1.13 हाइट, मतलब इतनी हाइट पे जो हमारी एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा 571.38 mm स्क्वायर एट स्पेसिंग 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और इसके ऊपर की जो स्पेसिंग होगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो हमारा स्टेप 5 में आते हैं, डिज़ाइन ऑफ सेक्शन फॉर हुप टेंशन। अब इसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम इतने के लिए डिज़ाइन कर रहे थे कि वो कैंटिलीवर के लिए, अब हम हुप टेंशन के डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, रिज्यूम इन्फोर्समेंट जो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है हुप टेंशन का, गामा इसकी हाइट कितनी है h1 - h इंटू d/2, ये होता है हमारा फार्मूला रिजिड के लिए। अगर हम अगर यही क्वेश्चन फ्लेक्सिबल का होता तो यहाँ सीधे सीधे होता गामा h इंटू d/2, क्योंकि वो पूरे पे निकालते हैं, यहाँ पे हम हाफ पे निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा गामा की वैल्यू 9.81
H1 कितना है हमारे पास टोटल 3.4, इसमें से माइनस H करेंगे 1.13 इंटू डायमीटर हमारे पास 9 था डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100.21 किलो न्यूटन, ये होगा पर लेंथ पे, ठीक है, पर मीटर हाइट पे। अब हमको निकालना है एरिया हुप टेंशन के लिए, एरिया ऑफ हुप टेंशन, एरिया ऑफ हुप टेंशन निकालेंगे हुप रिइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ हुप रिइंफोर्समेंट का फॉर्मूला होता है, अगर हम निकाल रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से हुप रिइंफोर्समेंट के लिए हुप का, इसका फॉर्मूला होता है टी अपॉन सिग्मा एस। टी क्या हो गया हमारा टेंशन हो जाएगा, टेंशन हमारा कितना आया है 100.21 × 10³ डिवाइडेड बाई सिग्मा एस 150 होगा। अब ये आ गया हमारे पास 668.07 mm स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब हमको स्पेसिंग निकालना रहता है, तो उसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे यूजिंग 10 mm डाया स्टील बार, 10 mm डाया स्टील बार यूज करने पर स्पेसिंग क्या आ जाएगी हमारी, स्पेसिंग आएगी हमारी, स्पेसिंग क्या होता है एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाई टोटल एरिया इंटू 1000, तो एरिया ऑफ वन बार क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू इसका डाया क्या होगा 10 mm लिए हैं डिवाइडेड बाई टोटल एरिया हम निकाले हैं 668.07 इंटू 1000, तो ये आ जाएगी हमारे पास स्पेसिंग 117.56 mm, और इसको हम क्या करेंगे 100 mm एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो गई हमारी 100 mm स्पेसिंग, 10 mm डाया पे 100 mm स्पेसिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे क्या हम जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो सही है कि नहीं स्पेसिंग पे, चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, चेक करने के लिए हम क्या हमारा फार्मूला होता है ASH एक्चुअल इज इक्वल टू पाई बाई 4, सबसे पहले हम एक्चुअल निकाल लेंगे 10 mm पे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एरिया आई थी उससे हम एक्चुअल हमको यूज़ होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 100 mm स्पेसिंग आई थी इंटू 1000, तो ये हमारी एक्चुअल एरिया आ जाएगी 785.4 mm स्क्वायर, एक्चुअल एरिया स्पेसिंग पे हम इतना निकाल लेंगे। अब हमारा फार्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेस का सिग्मा सी टी टी डिवाइडेड बाई 1000 टी प्लस एम माइनस 1 एरिया हुप रिइंफोर्समेंट एक्चुअल, ठीक। अब सिग्मा सी टी की वैल्यू आपको पता है कि सिग्मा सी टी की जो वैल्यू होती है वो होती है, सिग्मा सी टी की वैल्यू होती है 1.3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर M25 कॉन्क्रीट के लिए, ठीक है, तो M25 के लिए ये होती है। अब इससे हमको क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो अब हम निकाल के देखते हैं कम है कि नहीं, तो T की वैल्यू क्या थी 100.21 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 1000, T था हमारे पास 152 प्लस M की वैल्यू थी 11 माइनस 1 और एक्चुअल कितना आया हमारे पास 785.4, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.63 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर विच इज लेस देन 1.3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मतलब हमारा क्या है जो ये सेफ है।
ये हमारा क्या हो गया, सेफ हो गया। तो ये हम चेक कर रहे थे टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, जो हमारी वैल्यू कितनी होती है 1.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, लेकिन वो क्या है उससे कम आई, इसका मतलब हमारा जो रिइंफोर्समेंट वो क्या है, सेफ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 6। अब इसको हम क्या निकालना है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट निकालना है। इन वर्टिकल डायरेक्शन, अभी तक हम निकाले थे कितना, हॉरिजॉन्टल का सब निकाले थे, अब वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि इसकी जो थिकनेस थी हमको पता थी कितनी आई थी, 152 mm। अब हमको देखना है कितना परसेंटेज ऑफ स्टील यूज़ होता है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील अगर थिकनेस 100 mm है तो परसेंटेज ऑफ स्टील यूज़ होता है हमारे पास 0.3%। अगर थिकनेस हमारी 450 mm है तो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है 0.2%। हमारी थिकनेस कितनी थी, 152 mm है, तो फॉर 152 mm 152 mm के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील जो यूज़ होगा उसका फार्मूला क्या होगा, 0.3 माइनस, ठीक, 0.3 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 450 माइनस 100 इनटू कितनी थिकनेस है हमारी, 152 mm माइनस जो मिनिमम है 100 mm। इस फॉर्मूले से हमारा कितना क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगी जो है 0.28%। अब परसेंटेज ऑफ स्टील आ गए तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो कितना परसेंटेज है, 0.28% है, ये हो गया। एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो थिकनेस कितनी है हमारे पास, 152 mm, और इनटू 1000 करेंगे क्योंकि यूनिट थिकनेस कितनी होती है, 1000। तो ये आ जाएगी हमारी एरिया ऑफ स्टील 425.6 mm स्क्वायर। तो ये आ गया हमारी एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ स्टील आ गई तो हमको क्या निकालना है, स्पेसिंग निकालना है। तो यूजिंग 8 mm बार ले लेते हैं डाया, 8 mm डाया बार, स्पेसिंग आ जाएगी हमारी, स्पेसिंग निकालेंगे तो स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। टोटल एरिया कितनी आई हमारे पास, 425.6 इंटू 1000। तो ये हमारी स्पेसिंग आ गई 236.21 mm। इसको हम क्या कर लेंगे, रिज्यूम 230 mm। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 230 mm, 8 mm बार 8 mm डाया बार यूज़ करेंगे 230 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो ये हमारी वर्टिकल रिइंफोर्समेंट आ गया। अब हमको लास्ट स्टेप क्या है, हमको जिसका बेस स्लैब है वो हमको डिज़ाइन करना है। अब लास्ट स्टेप है हमारा बेस स्लैब जो उसका होता है वो हमको डिज़ाइन करना है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट और वर्टिकल रिइंफोर्समेंट दोनों हम डिज़ाइन कर चुके हैं। तो डिज़ाइन अब बेस स्लैब में क्या होता है कि जो रिइंफोर्समेंट होती है वो 0.3% होती है टोटल एरिया के, तो टोटल एरिया होता है उसका 0.3% हम रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं बेस स्लैब में। और उसकी थिकनेस एज्यूम कर लेते हैं हम 150 mm, ठीक, 150 mm। और उसके एरिया जो क्या होती है हम बताएं, मिनिमम 0.3%। तो 0.3% पे हम थिकनेस कितनी है, 150, और यूनिट विड्थ कितनी हो जाएगी, 1000। तो इससे हम क्या निकाल जाएगा, एरिया आ जाएगी जो होगी 450 mm स्क्वायर। तो ये एरिया आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम प्रोवाइड करेंगे स्पेसिंग, ठीक। तो स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए क्या है, 450 mm आया हमारा टोटल एरिया। तो इसको हाफ ऑफ द स्टील जो होता है वो क्या होगा, टॉप फेस पे होगा, और हाफ द स्टील, हाफ ऑफ द स्टील कितना होगा, बॉटम फेस पे होगा। तो ये टोटल है, तो टोटल का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ स्टील यूज्ड इन टॉप फेस एंड हाफ ऑफ स्टील यूज्ड इन बॉटम फेस। तो हाफ ऑफ स्टील यूज्ड इन
स्टील यूज्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 mm square। अब इस पर हम क्या निकालेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे, तो कितने की 8 mm डायल ले लेंगे, डायल बार, तो स्पेसिंग आ जाएगी हमारी पाई बाई 4d² अपॉन टोटल एरिया कितनी हम लेंगे 225 × 1000। तो ये आ जाएगी हमारी 223.4 mm। इसको एज्यूम कर लेंगे कितना 220 mm स्पेसिंग। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई 8 mm बार को 220 mm स्पेसिंग। तो ये हमको टोटल हमारा निकल गया इसका डिज़ाइन सर्कुलर वाटर टैंक की। थैंक यू, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।